नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से दो बच्चों की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। अवैध हथियार की तस्करी करने वाला दो अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। वन विभाग की टीम ने पंछियों की बिक्री करने वालों पर कसा शिकंजा, 41 पिंजड़े से पक्षी बरामद, 3 गिरफ्तार। कोरोना को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ की बैठक, वायरस से बचाव के दिए निर्देश। और अज्ञात बीमारी से भागलपुर में लगातार हो रही सुअरों की मौत, संक्रमण रोकने में निगम प्रशासन कर रहा खानापूर्ति। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर गोराडी प्रखंड अंतर्गत कैथा गांव स्थित पोखर में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। घटना को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद अहमद के 7 वर्षीय पुत्र जुलकर नैन एवं मोहम्मद राजू के 8 वर्षीय पुत्र मेराज के रूप में हुई है। घटना बुधवार की शाम की है। बताया जा रहा है कि कैथा गांव स्थित पोखर के समीप कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान पोखर किनारे पैर फिसलने से जुलकर नैन एवं मेहराज पोखर में डूब गया, जिसके बाद साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं बच्चों के डूबने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। इधर गोराडीह पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। थानाध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद ने बताया कि खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवगछिया पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले दो अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो हथियार तस्कर पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 4 मैगजीन, 50 राउंड गोली, 2 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। शुक्रवार को नवगछिया एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हथियार तस्करों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने कहा कि NH 31 पर कामाख्या पेट्रोल पंप के समीप हथियार की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद नवगछिया थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, वीरपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार एवं सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कवाड़ी गोदाम के समीप हथियार का लेनदेन कर रहे तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस दौरान पुलिस को देखते ही दो तस्कर मोहम्मद सनो और टुनटुन सिंह मौके से फरार हो गया, जबकि अन्य दो तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए दोनों तस्कर की पहचान मोहम्मद मिंटू एवं साहिल के रूप में हुई है। एसपी ने कहा कि फरार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की बात कही। दोपहर में सूचना मिली थी कि कुछ जो अपराधी हैं, जो तस्कर हैं, अवैध हथियारों की जो तस्करी करते हैं, उनके द्वारा हथियारों का लेन देन का कुछ शाम को यहाँ पर नौगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लेन देन होना है। तो उसी के सूचना के आलोक में थाना प्रभारी नौगछिया, थाना प्रभारी बीहपुर और सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार जो पुलिस लाइन में पदस्थापित है, और साथ में ही बीएमपी का बल, इन सबकी एक टीम गठित की गई ताकि उन तस्कर जो हथियार तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, उनकी धरपकड़ की जा सके। तो उसी क्रम में शाम को लगभग 5:30 बजे के लगभग जो कामाख्या पेट्रोल पंप है NH 31 पर, जो नौगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां पर कबाड़ी की दुकान के पास में जो तस्कर जिन्होंने लेन देन करना था आपस में, वो आकर वहां पर इकट्ठे हुए, उसी में उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग भागने में सफल रहे। भागलपुर मुख्य बाजार लोहिया पुल के नीचे विगत कई वर्षों से पक्षी बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। इसी दौरान एक युवक ने पिंजड़े में कैद पंछियों का वीडियो बनाकर उसे मुख्यालय भेज दिया, जिसके बाद मुख्यालय ने वीडियो को DFO के पास भेजकर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यालय से वीडियो आते ही वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए और DFO एस सुधाकर के नेतृत्व में उल्टा पुल के नीचे छापेमारी अभियान चलाकर पंछी का कारोबार करने वाले 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 41 पिंजड़े में कैद पंछियों को जब्त कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद अल्ताफ और मोहम्मद कबलेन को शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। दरअसल रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर कई वर्षों से पंछियों का खुलेआम कारोबार चल रहा था। इसकी जानकारी वन विभाग को भी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर मुख्यालय से निर्देश मिलते ही वन विभाग के अधिकारी नींद से जाग उठे और कार्रवाई में जुट गए।
मामला है, ये संगीन अपराध के तहत जो है ये वर्ष से ये आता है और ये लोग अपना बिजनेस पर्पज से जो है ये धंधा शुरू किया था। इसके रोकथाम के लिए लोगों को समझाया गया था ये, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो कि हाईलाइट हो गया। इसके तहत हम लोग को रेड करना पड़ा, प्रशासन प्लस हमारे पदाधिकारी लोग कल रेड किए, जो कि सबका अलग अलग काउंटिंग है, सब प्रतिबंधित बर्ड्स जितने हैं। जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को कोरोना वायरस एवं शहर में हो रही सुअरों की मौत को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रणब कुमार ने की। इस दौरान डीएम ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं डीएम ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी का पालन कराने एवं शहर में सुअरों की मौत पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी एवं उप नगर आयुक्त एसपी वर्मा से शहर की साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर एवं फॉगिंग कराए जाने की बात कही। बैठक में डीएम ने मृत सुअरों को गड्ढा कर दफन करने और साफ सफाई का विशेष इंतजाम कर जीवित सुअरों को वैक्सीन देने का निर्देश दिया। सुअर की मौत के सिलसिले को देखते हुए सुअर के मांस की बिक्री पर रोक लगाने और संक्रमण से सुअरों को बचाने पर चर्चा की गई। डीएम ने नगर आयुक्त, सिविल सर्जन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को कोरोना वायरस के प्रभाव पर काबू पाए जाने तक विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखने और एहतियात बरतने का निर्देश दिया एवं स्वाइन फ्लू की आशंका को देखते हुए भी अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित पहल तेज करने की बात कही। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार, नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, सिविल सर्जन, सदर एसडीओ आशीष नारायण एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी शंभुनाथ झा मौजूद थे। भागलपुर में पिछले 10 दिनों से अज्ञात बीमारी से हो रहे सुअरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक शहर में 400 से ज्यादा मृत सुअर पाए गए हैं, जबकि कई इलाकों में सुअर के अचेत अवस्था में होने की सूचना मिली है। इसके बावजूद पशुपालन विभाग के अधिकारी संक्रमण रोकने के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन भी सुअरों की मौत पर मात्र ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर खानापूर्ति कर रहा है। इधर महामारी फैलने की आशंका को लेकर महादलित बस्ती के लोग काफ़ी भयभीत हैं और उन्हें डर है कि कहीं संक्रमण उन्हें अपनी चपेट में ना ले ले। शुक्रवार को वार्ड संख्या 26 के कई इलाकों में आधा दर्जन से अधिक सुअर मृत अवस्था में मिले, जिसके बाद उन्हें महादलित बस्ती में ही गड्ढा खोद कर दफना दिया गया। पूरे मामले पर वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति संजय कुमार तांती ने कहा कि सुअरों के मरने की सूचना जिलाधिकारी प्रणब कुमार और नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी को देने के बाद भी संक्रमण रोकने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है। पार्षद पति ने निगम प्रशासन के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम सुअरों की मौत को नजरअंदाज कर रहा है, जिसका नतीजा काफी गंभीर हो सकता है। वहीं वायरल संक्रमण के कारण अब भागलपुर में पंछियों के मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने राज्य के सभी जिला जज एवं न्यायिक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्य न्यायाधीश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे और न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यक सुनवाई एवं जमानत के मामले के अलावा किसी भी मामले की सुनवाई तत्काल नहीं करने की बात कही गई। प्रत्येक दिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने और परिसर में वकीलों की अनावश्यक भीड़ जमा न हो, इसका भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश मुख्य न्यायाधीश ने दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पटना हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश एवं राज्य के जिला जज ने कोरोना से बचाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से राहत पाने तक साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की बात कही। मौके पर भागलपुर के सभी न्यायाधीश एवं न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर जिले के सभी मॉल और सार्वजनिक स्थल को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद शुक्रवार की सुबह शहरी क्षेत्र में कई मॉल खुले दिखे। मॉल खुले होने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने मॉल पहुंचकर संचालक को 31 मार्च तक मॉल बंद रखने का निर्देश दिया, साथ ही मॉल खोलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वहीं कुछ मॉल संचालकों ने कहा कि उनके पास मॉल बंद करने से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है, जिसके कारण मॉल को खोला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के हित में कोरोना का प्रभाव खत्म होने तक मॉल को बंद रखेंगे। विश्व के 177 देशों को अपनी चपेट में ले चुके नोवल कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई गाइडलाइन जारी की है। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अब तक 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध मरीजों की जाँच हो चुकी है, लेकिन एक में भी कोरोना होने की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग भी आम लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। वायरस को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सारिक मंजूर ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं, जिससे बचने की जरूरत है। वहीं क्रिएशन ट्रेंडिंग के संस्थापक उत्तम झुनझुनवाला ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क की जगह रुमाल या तौलिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, कोरोना वायरस COVID-19 जो है, कोरोना वायरस डिजीज 19, ये इसका अभी कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन और यह अभी हिंदुस्तान में कोई महामारी का रूप लिया नहीं है। बस इसके लिए है प्रिवेंटिव मेजर्स जितना है वो लिया जाए, साफ़ सुथरा रहा जाए, हाथों पर हमेशा जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, और ये जो सोशल मीडिया पे जो एक हवा बना दिया गया है कोरोना वायरस डिजीज़ को, इससे बचा जाए। सर, कोरोना वायरस से लेकर के हम लोगों से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएँ, अपने आसपास स्वच्छता रखें, खुद को साफ रखें, स्वस्थ रहें, बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि खुद स्वस्थ रहिएगा तो समाज ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। विश्व के कई देशों तक पैर पसार चुके कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के प्रभाव को भारत में रोकने एवं उससे बचाव के लिए 22 मार्च की सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने घरों में रहने और अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यात्रा से परहेज करने, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाने, 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को कुछ दिनों तक घरों में रहने एवं नियमित तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखने की भी बात कही। इसको लेकर भागलपुर के लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। शहरवासी एवं बुद्धिजीवियों ने कोरोना को हराने एवं इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, उसमें सभी जो नौगछा पुलिस जिला के अंतर्गत रहने वाले नागरिक हैं, उन लोगों से हमारा अनुरोध है, अपील है कि वो इस महामारी के जो दौर चल रहा है उसमें जो अपना बचाव अपने खुद से करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि आप अपने आप को घर में ही रहें, या बहुत ही जरूरी जब काम हो तभी घर से बाहर निकले। अगर आपकी तबीयत में थोड़ा सा भी कुछ आपको महसूस होता है कि खराब है, जो जुकाम खांसी सिर दर्द या बुखार जो कि इसके लक्षण है, अगर वैसा है तो आप अपना खुद से जाकर डॉक्टर के पास में अपने टेस्ट कराएं, और आप खुद भी बचें और दूसरों को भी संक्रमण से बचाएं। अभी क्या है कि जो कोरोना है ये वैश्विक समस्या है, पूरा विश्व इससे परेशान है, और इसकी जो विस्तार की गति है काफ़ी अधिक, और इस दृष्टि से क्या है कि अपने यहाँ जो भी विद्यालय हैं बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद किया हुआ है, और एक समूह से आग्रह किया कि कहीं भी गैदर ना हो, एक जगह पर गैदरिंग से बचें, न्यूनतम 1 मीटर की दूरी बना करके रखें, और इस ग्रोथ के मापदंड के लिए सरकार ने, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फैसला लिया है, अपील की है जनता से कम 1 दिन जनता कर्फ्यू का अनुपालन करें। प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का, उसका हम सब समर्थन करते हैं, और समाज के हर तबके को, हर वर्ग को इसका समर्थन करना चाहिए। शायद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बहुत सोच समझ करके उससे कुछ मूल्यांकन करने की चेष्टा की है, तो इस कदम में हमको उनका साथ देना चाहिए और हम सब उनको साथ दें, और यह तो जो वैश्विक एक आफत है, इससे तभी हम लोग निजात पा सकते हैं, इसलिए मैं भी करूंगा और सबसे आग्रह भी करता हूं।
अभी जितने भी निर्देश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वो सारे निर्देश पर्याप्त हैं, और कल जो मोदी जी ने अपील किया है ये बिल्कुल सही कदम है इस महामारी से बचने के लिए, और ये पूरे विश्व को परेशान कर रहा है, इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उनके आह्वान को हम सबको मानना चाहिए और पूरे देशवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए। राजभवन के निर्देश पर शुक्रवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी कर्मियों की सेवा अल्टरनेट डे करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब विश्वविद्यालय के कर्मी एकांतर दिवस के अनुसार ही कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कर्मियों की सेवा दो समूह बनाकर लेने का निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसा करने से कर्मचारी कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे और पारस्परिक संपर्क कम होने से नोवल कोरोना फैलने का खतरा नहीं होगा। वहीं रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन में सभी प्रशाखा पदाधिकारी को रोस्टर बनाकर कर्मियों की सेवा लेने का निर्देश दिया है। इधर विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर SD झा ने कहा कि सभी पदाधिकारी कर्मियों का नाम एवं कार्य दिवस अंकित कर एक रोस्टर तैयार करेंगे और स्थापना शाखा को भेजेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आकाश कुमार से एक मरीज ने सीने में दर्द के साथ सर्दी और जुकाम होने की बात कही। देघरा गांव के हीरालाल राय ने बताया कि 5 दिन पूर्व वह फरीदाबाद से लौटा था, जिसके बाद से ही उसे सीने में दर्द और सर्दी जुकाम की तकलीफ हो रही थी। वहीं चिकित्सकों ने मरीज का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए बांका रेफर कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आकाश कुमार ने बताया कि कोरोना होने की संभावना को देखते हुए मरीज को बांका रेफर किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गोद लिए गांव में जन जागरूकता अभियान चला रहा है। शुक्रवार को भागलपुर मड़वाड़ी कॉलेज NSS इकाई के छात्रों ने महादलित बस्ती में जाकर लोगों को संक्रमित बीमारी की जानकारी दी और इलाके में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। NSS के ग्रुप लीडर मृत्युंजय कुमार ने लोगों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कर्फ्यू का जनता पालन करे, जिससे देश में संक्रमण का खतरा कम होगा। इस दौरान संघ सेवकों ने दलित परिवार के लोगों को संक्रमित बीमारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही। कहलगांव सनोखर स्थित धुआवे गांव में शुक्रवार को बंधन बैंक के नए शाखा का शुभारंभ हुआ। शाखा का उद्घाटन डिविजनल मैनेजर प्रलय दास, ब्रांच मैनेजर स्वरूप विश्वास, मुखिया बिपिन बिहारी सिंह एवं विवेकानंद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुखिया बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि बंधन बैंक की शाखा खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं डिविजनल मैनेजर प्रलय दास ने कहा कि बैंक ग्राहकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मौके पर एरिया मैनेजर, सरपंच, वार्ड सदस्य के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में खेलने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। अवैध हथियार की तस्करी करने वाला 2 अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में हथियार बरामद। वन विभाग की टीम ने पंछियों की बिक्री करने वालों पर कसा शिकंजा, 41 पिंजड़े से पक्षी बरामद, 3 गिरफ्तार। कोरोना को लेकर DM ने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ की बैठक, वायरस से बचाव के दिए निर्देश। और अज्ञात बीमारी से भागलपुर में लगातार हो रही सुअरों की मौत, संक्रमण रोकने में निगम प्रशासन कर रहा खानापूर्ति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।